सो हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। सो आज जो हमारा दो चैप्टर बचा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट दो चैप्टर बचा है। एंड इसके पहले के जितने भी चैप्टर थे उन सारे चैप्टर्स के हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता था उन सारे MCQs को कवर कर चुके हैं, सारे MCQs को सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि हमारा नेशनल इनकम, ADAS, गवर्नमेंट बजट, बात करें हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट के, और भी जितने भी चैप्टर थे, सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उन सारे चैप्टर्स के हम लोग MCQ कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट MCQ कौन से थे हमारे, जो हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, चाहे वो DDU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे LU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या चाहे CUET का एग्ज़ाम हो। तो जहाँ से भी चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे थे उन सारे इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टू चैप्टर बचा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दो चैप्टर का MCQ करने के बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उसको भी आप लोग देखिए, उससे भी आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोग उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, ताकि जो क्वेश्चन अगर अलग से भी आ जाए कहीं से ऐसा ना लगे कि आपको, जो मान लीजिए जितना मैं करा रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अलग से आ जाता है तो आपको ऐसा ना लगे कि आप उससे फेमिलियर नहीं है। आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखेगा उससे सारे आपको लगेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा है एंड मैं इस क्वेश्चन को करेक्टली कर भी ले जाऊँगा। सो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सारी बातों के साथ। पहला क्वेश्चन, हम जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे टोटल वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रहेंगे एंड 20 क्वेश्चन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट से रहेंगे। 20 क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में कुल मिला के 40 क्वेश्चन है। आपको हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने साथ पेन एंड पेपर लेके बैठिए एंड जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम के दिन उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करके जाएंगे एंड आप एंट्रेंस एग्जाम के दिन उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। सो बातें कई सारी हो गई, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज अपने की वीडियो, आज की यह वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो क्या है, सो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में अन्य मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत को जानना क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है इसको। जैसे ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर का यह पहला क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी, यानी कि अपने एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी का जो रिलेशन रहता है, किस बार के जो रिलेशन रहता है, कहाँ पे रिलेशन रहता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में, कहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में, उसको क्या कहा जाता है, जो ये जो रिलेशन है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किस नाम, किस चीज़ से डिनोट किया जाता है उसको, ये जो रिलेशन रहता है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में उसको क्या कहा जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाज़ार में। इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाज़ार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाज़ार में अन्य मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत को जाना जाता है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम रेट यानी कि संतुलित दर, फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि निश्चित विनिमय दर, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट होगा, हाँ निश्चित विनिमय दर, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि लचीला विनिमय दर, तो किस नाम से डिनोट किया जाता है जो एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में जो रिलेशन रहता है उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम रेट यानी कि संतुलित दर, फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि निश्चित विनिमय दर, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि लचीला विनिमय दर, तो किस नाम से डिनोट किया जाता है वो जो रिलेशन रहता है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम रेट यानी कि संतुलित दर, फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि निश्चित विनिमय दर, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि लचीला विनिमय दर। देखिए बेसिकली मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके एंड आप लोग आंसर करेक्टली कर सके। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, आप लोग अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है
अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप आंसर पहले मेरे, जब मैं 10 सेकंड बाद आंसर करूँ, आप अपने आंसर को मैच करिए। अगर गलत हो रहा है तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर को नोट कर लीजिए, सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, सो फॉर सो गुड, एंड अगर गलत हो रहा है तो आप आंसर को क्वेश्चन के साथ आंसर को नोट कर लीजिए। मैं इसीलिए क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे वो हिंदी में समझ जाए, जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं वो इंग्लिश में समझ जाए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट किसको कहा जाता है, जो एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ रिलेशन रहता है इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में, उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में ये चीज़ें बता रखी हैं। सो विनिमय दर की संयोज्य खूंटी प्रणाली के अनुसार डिफरेंट करेंसी वर पैक टू वन करेंसी, यानी कि विभिन्न मुद्राओं को एक मुद्रा में, एक मुद्रा के समान बांध दिया जाता है, पैक नहीं होगा यहाँ पे, बांध दिया जाता है, पैक नहीं होगा। यूएस डॉलर वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस, अमेरिकी डॉलर को एक निश्चित कीमत पर सोने का मूल्य दिया जाता है। प्रयान बिटवीन टू करेंसी डिटरमाइन, बिटवीन टू करेंसी डिटरमाइंड बाय द गोल्ड कंटेंट इन देम, उनमें निहित सोने द्वारा निर्धारित दो मुद्राओं के बीच का पर्यन किया जाता है, या ऑल ऑफ दी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में काफ़ी मिसप्रिंट हैं हमें लग रहा है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा कि क्वेश्चन का मतलब यही होगा कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट से मतलब क्या है, एडजस्टेबल पैग सिस्टम जो है उससे आपका मतलब क्या है, उससे क्या डिफाइन होता है। विनिमय दर की समुज्जन खूंटी प्रणाली के अनुसार डिफरेंट करेंसी वर पैक डिवाइड टू वन करेंसी, ये भी ठीक है। यूएस डॉलर वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस, ये भी ठीक है, यानी कि अमेरिकी डॉलर को एक निश्चित कीमत पर सोने का मूल्य दिया जाता है। उन्हें निहित सोने द्वारा निर्धारित दो मुद्राओं के बीच का पर्यन किया जाता है, ये भी ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्या, उपरोक्त सभी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंडर विच सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट करेंसी कंट्रीज इन सर्कुलेशन, किस प्रणाली के तहत सोने के प्रचलन में विभिन्न देशों के मुद्रा के बीच समता की समान इकाई के रूप में लिया जाता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर की ब्रिटेन वुड प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर की स्वर्ण मानक प्रणाली, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि लचीला विनिमय दर प्रणाली, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर की प्रबंधित फ्लोटिंग प्रणाली। तो किसके तहत गोल्ड को एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन, तो सोने को एज अ कॉमन यूनिट लिया जाता है करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, तो किस सिस्टम के अनुसार वो लिया जाता है, ब्रिटेन वुड सिस्टम के अनुसार लिया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार लिया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अनुसार लिया जाता है, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से लिया जाता है, किसके हिसाब से लिया जाता है। तो अब तक तो आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, तो इसको किसके अनुसार लिया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपके जो गोल्ड लिया जाए, इस सिस्टम के अनुसार आपका गोल्ड जो है वो एज अ कॉमन यूनिट लिया जाता है, किसमें, पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इन सर्कुलेशन, दो कंट्री के सर्कुलेशन में जो पैरिटी यूज़ होती है उसके लिए आपका जो गोल्ड है वो एज अ कॉमन यूनिट लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, बैटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कट गया, मिसप्रिंट काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे ऑल ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव का एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट, यानी कि निम्न में से कौन सा सबसे कठोर विनिमय दर प्रणाली है जो विनिमय दर में किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि लचीला विनिमय दर प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की स्वर्ण मानक प्रणाली, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली,
तो ये या लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे पूछा है आपसे मोस्ट रिजिड पूछा है, यानी कि सबसे कठोर। तो जो फ्लेक्सिबल है वो कठोर कैसे होगा, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये जब एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल ऑफ दिस कह रहा है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि जब ऑप्शन नंबर 1 कट गया तो ऑल ऑफ दिस तो होने का चांस ही नहीं है। बच्चा आपके पास दो ऑप्शन, एक आपके पास है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर की स्वर्ण मानक प्रणाली, और एक है आपका ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिजिड, मोस्ट रिजिड यानी कि सबसे कठोर एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट का वो सिस्टम जो सबसे कठोर है, जो एक्सचेंज रेट में थोड़ी भी ढिलाई नहीं करता है, थोड़ा भी लचीलापन नहीं दिखाता है। तो कौन सा है वो, आपका ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है, यानी कि विनिमय दर की स्वर्ण मानक प्रणाली है या विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर की स्वर्ण मानक प्रणाली सबसे कठोर विनिमय दर की प्रणाली है, जो विनिमय दर में किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं देता है। इट मीन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज द मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट में ये थोड़ा भी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करता है। क्या नहीं अलाउ करता है, कौन सा सिस्टम, गोल्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या नन ऑफ द अबव। तो जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या नन ऑफ द अबव, यानी कि वह दर जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसको क्या कहा जाता है, लचीला विनिमय दर, निश्चित विनिमय दर, अस्थाई विनिमय दर या नन ऑफ द भैया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि निश्चित विनिमय दर, निश्चित विनिमय दर। यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल गया कि वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड, यानी कि विनिमय दर जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय की समान दर, पुदीना मिंट पैरिटी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट यानी कि संतुलित विनिमय दर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, मिंट पैरिटी होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या ऑल ऑफ दीज, यानी कि वो एक्सचेंज रेट जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि संतुलित विनिमय दर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो वॉट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर के बीच क्या संबंध है, इनवर्स, डायरेक्ट, वन ऑन टू वन, नो रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन है आपके डिमांड ऑफ फॉर फॉरन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, फॉरन करेंसी की डिमांड पर और एक्सचेंज रेट पर कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर उसकी मांग घटे, उसकी डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस, सॉरी हाँ, इस इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो उसकी जो डिमांड है वो भी घटेगी। आगे बढ़ते हैं, विच व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल, जब विदेशी विनिमय दर की आपूर्ति में वृद्धि होती तो संतुलित विनिमय दर में वृद्धि होगी। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल फॉल, क्या है इसका करेक्ट आंसर, फॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड ऑन, विदेशी मुद्रा की मांग किस पे निर्भर करती है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण की चुकौती, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया में निवेश, बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्या रहा है कि आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों चाहिए, आपके पास फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, आपको किसी अन्य देश की
करेंसी यानी कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण में आपको अगर पैसा किसी आप अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लिए हैं तो उसके आपको भुगतान के लिए उस करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकंड क्या पूछ रहा है, अगर आप किसी बाहरी देश में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल, यानी कि विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, नॉट चेंज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज या डिक्रीज। विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होगी, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, नॉट चेंज यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है या घटेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका है घटेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिक्रीज होगा। ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल डिक्रीज, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत है, क्या स्रोत है, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेंट आंसर है वो आपका है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। When the exchange rate rise due to the managed floating, तो जब managed floating के कारण विनिमय दर में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है, devaluation, appreciation, depreciation या revaluation। तो इसको क्या कहा जाता है, appreciation कहा जाता है। क्या कहा जाता है, appreciation कहा जाता है। क्या कहा जाता है, appreciation कहा जाता है। When the exchange rate rise, इस केस में एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारे कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारे करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विदेशी मुद्रा बाजार में किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दीज है, यानी कि निम्नलिखित में से सभी कार्य विदेशी मुद्रा बाजार में किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट हो, क्रेडिट फंक्शन हो, हेजिंग फंक्शन हो या और भी कुछ फंक्शन हो। तो ये जो भी तीनों ऑप्शन हैं आपके ऑल ऑफ दीज, वो सभी फंक्शन आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में परफॉर्म किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ओनली करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड, यानी कि केवल वर्तमान लेन देन को संभाला जाता है। फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, यानी कि केवल वर्तमान लेन देन को संभाला जाता है। इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, यानी कि विनिमय दर की तत्काल दर निर्धारित की जाती है, या बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर, यानी कि हाजिर बाजार वह बाजार है जहाँ पे करंट ट्रांजेक्शन ही बस देखी जाती है, या फॉरवर्ड रेट एक्सचेंज इज डिटरमाइंड यानी कि केवल वर्तमान लेन देन को संभाला जाता है, इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड यानी कि विनिमय दर की तत्काल दर निर्धारित की जाती है, या बोथ ए एंड सी यानी कि ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोथ ए एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि स्पॉट मार्केट में आपके वर्तमान लेन देन को भी संभाला जाता है और विनिमय दर की तत्काल दर निर्धारित भी की जाती है, यानी कि इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो डिटरमाइंड एंड ओनली करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड वेयर इन स्पॉट मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ रुपीज 120 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड 100 अर्लियर, पहले 100 रुपए की जगह $1 को खरीदने के लिए अब 120 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो डोमेस्टिक करेंसी की क्या हुई है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हुई है, डिप्रिशिएट हुई है, रुपी वैल्यू बी मोर, इंपोर्ट विल इंक्रीज यानी कि रुपए की आयात में मूल्य की वृद्धि होगी, या बोथ ए एंड सी। तो बेसिकली इसका पूछा क्या है क्वेश्चन आपसे,
क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, जहां आपको $1 खरीदने के लिए ₹100 देने पड़ते थे, अब वहीं आपको $1 खरीदने के लिए ₹120 देने पड़ रहे हैं, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है? एप्रिशिएट हुई है, डिप्रिशिएट हुई है या क्या हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, आपकी क्या है डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है? डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है आपकी इस केस में? डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है आपकी, क्या हुई है? यहाँ पे बी एंड सी होगा, यहाँ पे बी एंड सी होगा। इफ रुपीज 120 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ 100 अर्लियर, सो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको पहले $1 खरीदने के लिए ₹100 देने पड़ते थे, अब ₹120 देने पड़ रहे हैं, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा एंड ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। तो आपका जो ऑप्शन लास्ट है डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू भी डिप्रिशिएट हुई है, रुपी वैल्यू भी ऑफ इम्पोर्ट विल इंक्रीज, यानी कि अब हमारे कंट्री से इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बी ओ पी इज मेजर्ड एट, बी ओ पी को रूप में मापा जाता है, डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन इनविजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीव ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज, सभी प्राप्त विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा के भुगतान के बीच का अंतर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीव्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे ये देखिए, बी ओ पी को कैसे मापा जाता है, बी ओ पी में क्या क्या चीज़ें हम लोग मापते हैं, मापते हैं यानी कि मेजर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंड ऑफ विजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि विजिबल आइटम का बस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि निर्यात और आयात के बस दृश्यात्मक वस्तु के बीच का अंतर। डिफरेंस बिटवीन विजिबल इनविजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यानी कि निर्यात और आयात की अदृश्य वस्तु के बीच का अंतर। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ गुड्स यानी कि माल के बाहरी और आंतरिक प्रवाह के बीच का अंतर, या डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सभी प्राप्त विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा के भुगतान के बीच का अंतर। तो बेसिकली इसी को हम लोग मेजर करते हैं हमारे बी ओ पी के अंदर। बी ओ टी एक टर्म आता है, बी ओ टी जिसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एज इज मेजर्ड एज, यानी कि व्यापार संतुलन के रूप में मापा जाता है। तो बेसिकली बी ओ पी में आप जो भी विजिबल जो भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो चीज़ें देखी जा सकती हैं उसी को हम लोग मेजर करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑल एक्सपोर्ट एंड ऑल इम्पोर्ट, ऑल एक्सपोर्ट एंड ऑल इम्पोर्ट तो ऐसे कटेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, सर्विसेज भी नहीं रहेंगी क्योंकि जिसको हम लोग देख सकते हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो आपका कैपिटल है वो भी आपका इसमें आ जाएगा, कैपिटल गुड्स जो हैं वो भी आपके नॉर्मल गुड्स के अंदर आ जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि माल के आयात और निर्यात के बीच के अंतर में ही जो चीज़ें हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आर द ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के में व्यापार संतुलन का लेन देन दर्ज किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें किस में मेजर किया जाता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर या ऑल ऑफ दीज। तो इसको विजिबल आइटम की कैटेगरी में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, चालू खाता रिकॉर्ड संबंधित करता है, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड गुड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि जो आपका करंट अकाउंट है वो आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को भी उसमें ट्रांजेक्शन नोट होती है, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर सर्विसेज के भी ट्रांजेक्शन नोट होती है, करंट ट्रांसफर की भी नोट होती है, और सो अगर ये तीनों होती हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिलेट टू द बी ओ पी ऑन कैपिटल अकाउंट,
निम्नलिखित में से कौन सी मंद पूंजी खाते पर बीओपी से संबंधित है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोड, एनआरआई, रेमिटेंस या ऑल ऑफ दीज? तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है कैपिटल अकाउंट से, एनआरआई रेमिटेंस जो है वो भी आपका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन में शामिल नहीं है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या ऑल ऑफ दीज? तो जो करेक्ट आंसर है इसका क्या होगा, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बीओटी में क्या इंक्लूडेड नहीं है। जो आपका बीओटी में वही चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं जो आपकी विजिबल रहती हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ें विजिबल हैं जिसको जिस चीज़ों को आप छू सकते हैं? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये भी नहीं है, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है, बोरोइंग एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल इम्पोर्ट, द बैलेंस रिलेट टू करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड या नन ऑफ द अबव? यानी कि यदि दृश्यामम निर्यात का मूल्य दृश्य आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो शेष राशि इससे संबंधित होगी, करंट अकाउंट बीओपी, कैपिटल अकाउंट बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड या नन ऑफ द अबव? तो जो किससे रिलेट होगी आपके करंट अकाउंट बीओपी से रिलेटेड होगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर आर, यानी कि एक तरफा संस्थांतरण है, वन साइडेड पेमेंट, एक तरफा भुगतान, रेसिप्रोकल पेमेंट, पारस्परिक भुगतान, फैक्टर इनकम, यानी कि पारस्परिक भुगतान नहीं होगा, इनकम होगा, यहाँ पे आय होगा, पारस्परिक आय, आई या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी देश में भूकंप आ जाए या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाए या कोई देश कंगाल होने की सिचुएशन पे पहुंच जाता है, तो उसमें हम लोग कुछ जो फिजिकल सॉरी मनी हेल्प करते हैं, जैसे कि ठीक है आप पैसा ले लीजिए या अपनी कंट्री की सिचुएशन को सुधार लीजिए, तो जो पैसा हम देते हैं उसके रिटर्न में हम कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं कि ठीक है आप हमें रिटर्न में कुछ देंगे, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये जो भी ट्रांजेक्शन रहती है वो वन साइडेड रहती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, वन साइडेड पेमेंट। और इसका एक एक्चुअल नाम क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सरप्लस इन बीओपी ऑकर्स व्हेन रिसीट इज इक्वल टू पेमेंट, रिसीट इज लेस देन पेमेंट, रिसीट आर ग्रेटर देन पेमेंट या बोथ एन सी? तो इसका जो सरप्लस कब होगा, जब आपका रिसीट ज़्यादा रहेगा किससे, आपके पेमेंट से, तो उस सिचुएशन में आपका जो बीओपी रहेगा यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा वो सरप्लस रहेगा यानी कि अधिक रहेगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष शून्य के बराबर नहीं होता है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर, यानी कि चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष कुछ धनात्मक संख्या होगी, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम नेगेटिव नंबर, यानी कि चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष कुछ ऋणात्मक संख्या होगी या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि इन सारे ही केस में जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा वो डिसइक्विलिब्रियम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉजेस ऑफ ए बी ओ पी इम्बैलेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछ सकता है, यहाँ से आप लोग मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में प्रिंटेड दिख सकता है। कॉज ऑफ बी ओ पी इम्बैलेंस रिलेट टू, यानी कि बी ओ पी का असंतुलित किसके कारण होता है, ऑटोनोमस के साथ ऑटोनोमस आइटम के कारण होता है, कैपिटल अकाउंट पीओपी के कारण होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के कारण होता है या नन ऑफ द अबव के कारण होता है? तो बीओपी इंबैलेंस क्यों होता है, ऑटोनोमस आइटम के कारण होता है, किसके कारण होता है, ऑटोनोमस कारण के कारण बीओपी जो है आपका वो इंबैलेंस होता है यानी कि असंतुलित होता है। अब बात करते हैं संतुलित किसके कारण होता है, तो संतुलित अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन जो होती हैं, अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो किस लिए की जाती हैं, बीओपी को बैलेंस करने के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए, अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं उसको क्यों किया जाता है, ताकि जो बीओपी है
उसको बैलेंस किया जा सके। कॉम्पिटिटिव ट्रांजैक्शंस आर डन विद द मोटिव टू बैलेंस BOP। सो एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन आर डन विद द मोटिव टू बैलेंस BOP, यानी कि BOP को बैलेंस करने के लिए कौन सी ट्रांजेक्शन की जाती हैं? एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि BOT किसका पार्ट है? करेंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ऑफिशियल रिजर्व का पार्ट है, या नन ऑफ द अबव का पार्ट है? तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट है? आपके करेंट अकाउंट BOP का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनविजिबल बैलेंस रेफर टू, यानी कि अदृश्य संतुलन किसको संदर्भित करता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट प्लस बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो किसको आपका जो इनविजिबल बैलेंस है वो रेफ़र करता है? तो इनविजिबल बैलेंस आपका किसको रेफ़र करता है? बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र, इसको आपका जो इनविजिबल बैलेंस है वो रेफ़र करता है। व्हेन BOP बैलेंस, जब BOP जो है वो आपका बैलेंस रहता है, तो करंट अकाउंट कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, या बोथ ए एंड सी। तो आपका जो जब भी BOP बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, कौन सी सिचुएशन रहेगी? तो जो आपकी लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, या कैपिटल अकाउंट यानी कि जो ऑफिशियल रिजर्व है अकाउंट है आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट आपका जीरो होता है। एक्सपोर्ट आपका 1000 है, इम्पोर्ट आपका 1660 है, बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट शो करेगा कितने का? 650 का, सॉरी 650 का नहीं, 660 होगा यहाँ पे, 660 होगा यहाँ पे, 50 नहीं 60 होगा। बेसिकली आपका एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1000 का, इम्पोर्ट कर रहे हैं 1660 का, तो आपका BOT क्या करेगा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा, तो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट आपका क्या आएगा? डेफिसिट आएगा, कितने का आएगा? घाटा आपका होगा 1660 रुपये का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अब कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। सर्विस आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर, सर्विसेज जो रहती हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखती नहीं, कोई भी सेवाएं अगर हम प्रदान करें एक देश से दूसरे देश में तो वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखती नहीं है। तो दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? सही बात है, नहीं दिखती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इनविजिबल इन BOP अकाउंट इंक्लूड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर, यानी कि इनविजिबल BOP खाते में अदृश्य में वर्तमान हस्तांतरण में संबंधित मौद्रिक लेन देन शामिल है, ट्रू और फॉल्स? तो इसका भी आंसर आपका ट्रू ही होगा। एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट इंक्लूड इन BOT, अगर व्यापार पर्यटकों द्वारा हमारे देश में कुछ खर्चा किया जा रहा है तो हमारे BOT का पार्ट होगा? होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट अकाउंट आपका जो भी ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहता है उसको रिकॉर्ड करता है, ट्रू और फॉल्स? तो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू होगा। BOP ऑलवेज बैलेंस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? सो इसका भी आंसर आपका ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमारा? राइज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइड अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि घरेलू मुद्रा में संबंध में विदेशी मुद्रा की अंतर्निहितता विनिमय दर में वृद्धि दिखाती है, दिखाती या नहीं दिखाती है? तो सही बात है, दिखाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट आर लाइकली टू राइज, यानी कि घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास के मामले में निर्यात बढ़ने की संभावना होती है, होती है या नहीं होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका फॉल्स है, यानी कि नहीं होती है। आंसर क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बिकम चीपर, लेस रुपीज़ आर अवेलेबल फॉर US डॉलर। सो जब विदेशी मुद्रा सस्ती होती है तो अमेरिकी डॉलर के लिए कम रुपए उपलब्ध होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड,
ट्रू और फॉल्स, यानी कि विनिमय दर सोने के रूप में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत होती है। फॉल्स, हर बार ये सोने की नहीं होती, अलग अलग, कई बार यूएस डॉलर भी रहता है, कई बार अलग अलग करेंसी को किया जाता है, अलग अलग करेंसी से मेजर किया जाता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद आपका मन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब जब एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग एक बार 100 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे, एंड देन आफ्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्पॉट मार्केट इज़ अ डेली नेचर, यानी कि हाजिर बाजार दैनिक प्रकृति का है या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ट्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।